हेलो, जी, क्या प्रोग्राम पक्का है ना आज? कहा? मैं ना नीचे जाकर देखती हूँ, अगर मेहमान चले गए हैं तो आज फिर प्रोग्राम पक्का है। फिर जल्दी बता हाँ, क्यों केयर नहीं लिया अभी तक? देना केयर तो देकर रखा है ना आपने। ना। वो तो रखा हुआ है, लेकिन तैयारी शारी भी करनी पड़ती है ना। ठीक है, तुम तैयारी करो, इंशाल्लाह आज प्रोग्राम पक्का बनाएंगे। ये नहीं कि फिर नंबर बंद कर देना, फिर बात नहीं करना। हाँ, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है आपसे? पहले तो ऐसे करती थी। नहीं ना, फिर तुम आप कॉल करती हो, नीचे मम्मी आवाजें दे रही है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे बात मिस ओके, कर ठीक देना। ठीक है ओके ओके ओके, बात ठीक है। मैंने नहीं समझ रही, दोबारा बताएं। कहा रात को आऊं, मैं ना आऊं। क्या बात है, जब तो ऐसे लगता है आप किसी रस्ते से बांध के फिर रहे हैं। जी किसी रस्ते से तो नहीं बांध के रखा हुआ आपने, ऐसे समझो, पागल हो जाओगे आप। ऐसे समझो, पागल तो हो गया हूं मैं। शादी नहीं हुई आपकी? कुछ नहीं, कसम मत बोलो। से नहीं, वाकई नहीं हुई? अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ। बेचारे, कैसे गुजारा करती हो? बस आप लोगों की मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी क्या है, मैं तो रोजाना किसी न किसी के मिल रहती। वो तो ठीक है, लेकिन मेहरबान हमारी भी तो मेहरबानी करो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। ना मैंने कहा मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। जी। अच्छा सही है, मैंने कहो तेरे लिए मैं तेल रख लेके रखा हुआ मेरी जान, मैं सारी रात तो मैं आपको मालिश करूंगा वो क्या होती है मालिश? जो आप कह रही थी। क्या मतलब? मालिश नहीं होती, वो मसाज होता है। मसाज है तेरे सारे जिस्म को, हाँ, कहाँ कहाँ लगाएंगे? जहां जहां मेरा दिल करेगा, जहां जहां आप कहोगी। जान हेलो, मैंने हाँ बताएं। कहा तेरे सारे जिस्म को लगाऊंगा ऊपर से नीचे तक। अच्छा जी, एक बात बताऊं, एक लड़की की ना बार बार मेरे पास कॉल आ रही है, वो बोले मुझसे दोस्ती कर लो। अच्छा कौन? मुझे एक बात बता, जो तुमने मुझे व्हाट्सएप नंबर बताया था, वो तुमने व्हाट्सएप पर पीछे से नंबर डिलीट कर दिया है? नहीं पता हाँ, नहीं, समझ नहीं झूठ नहीं आती बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है? ये। अच्छा झूठ मत बोलो, वरना मैं सीधी सही बात करूँ, वरना मैं रात नहीं मिलूंगी आपको। वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें मालूम है ना। मैंने आपको खुद दिया था ना नंबर, व्हाट्सएप भी मैंने आपको खुद नंबर दिया था ना। हाँ खैर, मैं झूठ क्यों बोलूं? चलो, मैं फ्री होके ना उसको चेक करती हूँ फिर। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा क्या, फिर मैंने कहा इंतजार करूं या ना करूं। अच्छा हाँ इंतजार करो आप, तो फिर पक्की बात है आज? इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ ना। तुम पहले अपना मूड तो बना लो, जी मैंने कहा पहले अपना मूड तो बना लो। मेरा मूड तो 3 दिन हो गए हैं खैर, जेब में रखा हुआ है। जी, मैं आपसे बात करता हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है। चलो सोचते हैं फिर। क्या सोचते हैं मेरी जान? मैंने कहा जब एक बार मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना मेरी जान। हाँ क्यों, लोहे का है आपका? जी क्यों लोहे का है आपका? क्या क्या लेते हैं? मैंने कहा क्या हुआ, लोहे का है क्या आपका? समझ नहीं आई मुझे, मैंने कहा लोहे का है क्या? लो ऐसे भी बढ़ के है। अच्छा जी, फिर मैंने इसका मतलब है आपको मिलना पड़ेगा मुझे। कहा है कि जब आप बात करती हो ना मुझसे तो हाँ टाइट हो जाता है। तो हाथ में पकड़ के रखा करो क्या? पकड़ के क्या रखूं, कहीं भाग जाएगा? नहीं हाँ, कहीं भाग भी सकते हैं ना, भाग सकता, अपनी जगह पे तो है, लेकिन वो यही है कि तड़पता रहता है। किसी और के घर में ना घुस जाए। मैंने कहा वो तड़पता रहता है मेरी मैंने जान। कहा किसी और के घर में ना घुस जाए।
नहीं, किसी और के घर में नहीं घुसता, क्योंकि जो बहुत तेरी इंतजार में है ना मेरी जान। मेरे अनुसार मुझे लगता है तो मेरा सत्यानाश करने के चक्कर में हो। क्या करने के में? छोटी सी बच्ची हूँ, मारती है मुझे, जान लेनी है बच्चों की। बच्ची हो? हाँ हाँ क्या होगा, बच्ची हो तो पहले तेल ले आना, अच्छा मसाज करना, उसके बाद सोचेंगे क्या करते हैं। मैंने कहा है तेल मेरी जान रखा हुआ है, मैंने आधा किलो लेके रखा हुआ है, बोतल भरा के ले आया था मैं, किलो आधे किलो से क्या बनेगा? ले आऊं। किलो तो ले आओ, कम से कम 2 दिन तो निकाल दे। अच्छा हाँ आप तो चले जाएंगे, फिर कोई और हो मिल जाएगा ना मिसाल करने के लिए मुझे। अच्छा मैं तेरे लिए कम हूँ, मैंने कैसे? कहा मैं तेरे लिए कम हूँ। शायद हो सकता है, आप ऐसे कह रहे हैं कि लो है कमजोर हूँ शायद, मैंने कहा फिर देख लेना, किसी और की मेहनत करनी पड़ जाए ना फिर मुझे। मैंने कहा फिर देख लेना ना। ये 4 दिन है ना, आयाशी तो करनी चाहिए इंसान को। मैंने कहा मेरी जान फिर देख लेना ना क्या होता है। हाँ पक्की बात है? जी, तो ठीक, बाद में चीखे नहीं मारना। ऐसे मैंने कहा बाद में फिर चीखे नहीं मारना। नहीं चीखे नहीं मारूंगी, आप अकेले आओगी या कोई और भी आएगा आपके साथ? मैं दो लड़के को ले जाऊंगा मोटरसाइकिल, वो ले जाएगा ना। लड़के को भी ले आना अपने साथ में, वो क्या करेगा? वो आपके साथ बैठा रहेगा ना। अच्छा हाँ जगह है बैठने तुम आके जाओ फिर। और मैं थक जाऊं तो? हाँ फिर उसी से मिसाइल करवा लूंगी और क्या है। मैंने कहा अगर तुम थक गए तो उसी से मिसाइल करवा लूंगी मैं। अच्छा हाँ चलो ले आऊंगा मैं उसे भी, तेरा दिल करता है तो। हाँ ले आना। आप मोटी हो या पतली हो? कैसे, मैंने कहा आप मोटी हो या पतली हो? आपको कौन सी चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मोटी और पतली में फर्क क्या होता है? फर्क तो कोई नहीं होता, लेकिन पता चल जाता है ना मोटा इंसान कैसे होता है पतला कैसे होता है। अगर मैं मोटी हूँ तो फिर, तो फिर क्या हुआ? करना अगर तो काम ही है, और क्या करना है मेरी जान, मोटे को क्या करना है, वही से पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ वैसे आप कक्षा 25 तक आ लेते हैं, मिलोगे तो मैं पता चलेगा ना मेरी जान ना। मिल लेंगे वो भी देख लेंगे आपको, बनाते रहते हैं आप। जी मिल लेंगे हम कौन से भागे जा रहे हैं। तो ठीक है, मैंने कहा दूर बैठ के बातें कर रही हो ना, जब सामने आओगी पता चलेगा ना। कोई बात नहीं, हमने कौन सा इसको कब्र में लेकर जाना है। अच्छा हाँ ऐसे पटाखे मारूंगा ना तो जिंदगी भर याद करोगी। हाय देख लूंगी, जा ख्याल करना अपने, नाक मत दिल पा देना, क्या करूंगा बेइज्जती मत करवा देना अपनी। ओके मतलब अभी तो तुम इतनी इतनी छोड़ रहे हो, तो क्या बाद में ये ना हो के हो गया आप बाद में? नीचे हो जाए। हम पंजाबी नहीं है जो 1 मिनट में भाग जाते हैं। भागने वाली तो मैं भी नहीं हूँ, की है मेरी जान तुम्हें मालूम है ना। तुम किस पागल इंसान ने कहा है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं किस सैकी हूँ। वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा पंजाबी 2 मिनट लगा के भाग जाते हैं।
जा रही है ना। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है लगे रहो आप, लगे रहो। क्या कह रही? हेलो। हाँ सुन रही हूँ, बताएं। मैंने कहा पंजाबी जो होते हैं ना 2 मिनट में फर्क हो जाते हैं, क्योंकि जैसे पलेर और मुर्गी नहीं।